सांडू आयुर्वेद भूषण, गौरव तपश्चर्या का, आयुर्वेद के सम्मान का। वैद्य आनंद कुमार चौधरी, आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना विषय में MD तथा PhD पदवी संपादित की है। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना विभाग में प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। गत 21 वर्षों से आप आयुर्वेद विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आप गत 2 वर्षों से WHO के माध्यम से विदेशी विद्यार्थियों को आयुर्वेद का ज्ञान बड़ी सुगमता से दे रहे हैं। आयुर्वेद MD तथा PhD विद्यार्थियों के आप मार्गदर्शक हैं। विद्यार्थियों में आप अपने सिखाने के तरीके तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण पहचाने जाते हैं। रसौषधि, भस्म, कुपिपक्व रस तथा आसवारिष्ट कल्पना में आपका विशेष अभ्यास है। इस विषय में आपके 138 से भी ज्यादा ज्ञानपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार देने का बहुमूल्य कार्य आप सातत्यपूर्ण ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, इन जर्नल्स के संपादन में आपका महत्वपूर्ण योगदान है तथा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद रिसर्च आयुष विभाग, जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन जैसे अनेक जर्नल्स के आप नियमित समीक्षक हैं। थाईलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अमेरिका इत्यादि अनेक विध देशों में होने वाले आयुर्वेद परिसंवादों में आपने की नोट स्पीकर तथा अतिथि वक्ता की भूमिका निभाई है। आप WHO भारत के सक्रिय सदस्य हैं। विश्व में आयुर्वेद चिकित्सा की स्वीकृति तथा आयुर्वेद औषधि को जागतिक स्तर पर वैज्ञानिक मान्यता, यही आपका सर्वोच्च लक्ष्य है। इस ध्येय प्राप्ति के लिए आप हर कदम पर आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों की वैज्ञानिक पुष्टि कर रहे हैं। आयुर्वेद समर्थनार्थ सोशल मीडिया पर आप सदा सक्रिय रहते हैं। आपको IASTAM के रसवैद्य नागिंदा शाह अवार्ड 2018, CCRAS के बेस्ट टीचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। आज 24 नवंबर 2019 के दिन सांडू आयुर्वेद गौरव समारोह के अवसर पर सांडू आयुर्वेद भूषण यह पुरस्कार आपको प्रदान करते हुए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। With a round of big applause, please welcome Honorable वैद्य श्री आनंद कुमार चौधरी जी। मैं गुजारिश करता हूं सांडू सेल्स मैनेजर्स की टीम को कि वो मंच पर वैद्य महोदय को सम्मान पूर्वक लेकर आए। तालियों की आवाज गूंजती रहे, जिसमें कोई भी खंड न रहे। सांडू भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने का आनंद सांडू समूह को देने के लिए उनका शुक्रिया, और ये पुरस्कार यहाँ उन्हें दिया जाएगा, सांडू भूषण पुरस्कार। तालियों की गूंज के बीच वैद्य डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी जी मंच पर उपस्थित हैं, और मैं विनती करूंगा कि शाल और श्रीफल से सम्मानित करेंगे श्री उमेश सांडू जी। तालियों की आवाज बहुत जोरदार गूंजनी चाहिए। वैद्य डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी, अब मैं गुजारिश करूंगा श्री शशांक सांडू साहब से कि वो पुनेरी पगड़ी और फ्रूट बास्केट यानी फलों से सम्मानित करें, जो हमारे
सांडू समूह की परंपरा है, महाराष्ट्र की परंपरा है। और अब मैं विनती करता हूं आदरणीय श्रीपाद जी नाइक साहब से कि वो सम्मान पत्र और सम्मान फलक देकर ये पुरस्कार प्रदान करें। वैद्य डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी साहब, जोरदार तालियां, सांडू भूषण पुरस्कार 2019। सांडू आयुर्वेद गौरव समारोह 2019 का एक और बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार। और अब धन्वंतरी की मूर्ति देकर श्री उमेश सांडू जी सम्मानित करेंगे। श्री उमेश सांडू प्रदान कर रहे हैं धन्वंतरी मूर्ति। मैं हमारे सत्कार मूर्ति डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी साहब और आगे जो अवार्ड्स जिन्हें मिल रहे हैं उन सबसे एक विशेष रूप से बहुत ही आदरपूर्वक विनती करना चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री महोदय का समय हमें सीमित मिला है, इसलिए अपने जज्बात आप अगर जितने कम शब्दों में आप व्यक्त कर सकें ताकि हमें आदरणीय श्रीपाद जी नाइक जी का जो समय मिला है उसका हम पूरा उपयोग कर सके। डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी साहब, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर साहब। मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्री यशोपाद नाइक साहब एंड द सगेसियस साइनिंग डायरेक्टर्स ऑफ द सांडू फार्मास्यूटिकल्स एंड यू ऑल इल्यूमिनस डिग्नेटरीज बडिंग वैद्यास, एट द आउटसेट आई विश टू convey my heartfelt gratitude to all of you for recognizing the services of any individuals which are here counted, 2-3 more, including myself. Really, aap sabka hardik abhinandan aur abhivadan. Abhi sanchalak mahoday ne kaha ki udgaron ko bahut kam samay mein rakhna hai, to main waisa hi kuch karne ja raha hu. माननीय मंत्री महोदय, आयुष मंत्रालय की विभिन्न समितियों के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में आपसे लगातार निर्देशन प्राप्त होते रहे हैं और इस विषय में मुझे आप सबको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मंत्री महोदय का समय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी 21 नवंबर को माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय से और इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी डिजीजेज जो कि ICMR की यूनिट है उसके साथ आयुर्वेद के संशोधन का अभी समझौता 21 नवंबर को हुआ है। मुझसे पहले के भी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ढेर सारे MOUs हुए हैं, ढेर सारी चीज़ें हुई हैं और एक नया स्वरूप दिखा है। निश्चित रूप से यह सराहनीय है और यह सब कुछ हमारे मंत्री महोदय के व्यक्तिगत रुचि और जिनका अपना निर्देश है उसकी वजह से संपन्न हो पा रहा है। और अभी सभी लोग बता रहे हैं कि नहीं, आयुर्वेद का वैश्वीकरण हो गया है। सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन अभी प्रतिरोध भी हैं। वो हमसे कहते हैं, WHO कहता है, WHO में भी बहुत संक्षिप्त में मुझे रहना है, अभी नए नए ढेर सारे कार्यक्रम शुरू हुए हैं माननीय मंत्री महोदय के ही कार्यकाल में और उनके निर्देशन में। सभी जगह ये कही जा रही है कि आप आयुर्वेद के लिए कुछ वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए, तो उसी के क्रम में ये JNU और इंटरनेशनल लीवर एंड बाइलरी डिजीजेज और ढेर सारे प्रक्रम चल रहे हैं। परंतु सवाल ये है कि हम इन सब चीज़ों के लिए कितना तैयार हैं। और निश्चित रूप से आयुर्वेद के किसी भी सिद्धांत पर कोई भी विज्ञान का सिद्धांत प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता है। यदि आयुर्वेद के सिद्धांतों को समग्र रूप से और विज्ञान के सिद्धांतों के साथ समायोजन किया जाए तो आयुर्वेद का सिद्धांत ही सत्य साबित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें मुझे कोई दो राय भी नहीं है। तो इसलिए अब सही तरीके से वैज्ञानिक विवरण किया जाए उसके लिए हमें अपने आप को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लोगों को साथ रहते हुए आगे बढ़ना होगा। माननीय मंत्री महोदय, एक तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी 25 जून 2019 को नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने हेल्दी स्टेट्स ऑफ हेल्दी इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया और अभी 19 नवंबर को पुनः नीति आयोग ने ही
prospective pragmatic pathway for the health address to health status of the country, ये जारी किया। महोदय क्षमा चाहूँगा, शिक्षक हूँ इसलिए मुझे आप अपनी बात आप तक पहुँचानी है, और सांडू ब्रदर्स को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मौका दे दिया। इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में आयुष नाम नहीं है। यदि मानव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का हेल्थ स्टेटस जारी करता है, और 25 जून को भी जारी किया, उस समय भी मैंने सचिव महोदय को पत्र लिखा है और सचिव महोदय ने उस पर संज्ञान में लिया है। अभी 19 नवंबर को फिर यही हुआ। मेरा आपसे और आयुर्वेद के सभी लोगों की तरफ से यह नम्र निवेदन है कि जब इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो जो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग भारत के और विश्व के स्वास्थ्य का संवर्धन कर रहे हैं उसका जिक्र जरूर आना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके लिए एक चैप्टर जरूर होना चाहिए। सचिव महोदय ने कहा कि हम इसको संज्ञान में ले रहे हैं, और खाली यही नहीं है, मेरा कार्य खाली शिकायत ही नहीं है, मेरा कार्य जैसा मैंने अभी कहा ये शिकायत भी नहीं है, बस मैंने ध्यान आकर्षण किया है कि अगर एक बार आप ध्यान दे लेंगे तो जहाँ हर जगह हम जुटते चले जा रहे हैं यहाँ भी हम जुट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हेल्थ का, और इसमें कंट्रीब्यूशन टू द सर्विसेज बाई द आयुष दैट शुड बी। अभी देखिए मंत्री महोदय के प्रयास से 23 नवंबर को कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्वागरूपा लद्दाख में होगा, तो ये कितनी मैं कीर्तियाँ गिनाऊँ। मंत्री महोदय के ही प्रयास से 12,500 वेलनेस सेंटर स्थापित हो रहे हैं अगले 4 साल में, तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान धन्वंतरी, यहाँ मैंने भगवान धन्वंतरी के भी चित्र में थोड़ा सा अंतर देखा, मैंने अक्सर देखा है कि भगवान धन्वंतरी के दोनों पैर एक साथ रहते हैं स्थिर मुद्रा में, लेकिन सांडू ब्रदर्स के प्रेजेंटेशन में ये देख रहा हूँ कि एक पैर पीछे है, यानी कि भगवान धन्वंतरी प्रगतिशील हैं, गतिमान हैं, चल रहे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से चल ही रहे हैं। और डिफेंस, ये पहला मौका हुआ कि 28 अक्टूबर को आर्मी के बेस हॉस्पिटल में पहली बार आयुर्वेद का एक सेंटर बिल्कुल सिम्टोमेटिक आपने स्थापित कराया, तो आर्मी में भी हम पहुँचे गए हैं इसलिए कि आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो ये बताता है कि आप आयुर्वेद के प्रति कितने समर्पित हैं। अब बात आती है सांडू ब्रदर्स की, तो मैं जब अपने पहली बार मैं पुणे में मार्च 2000 में आया था, मैं जनवरी 2000 में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयुर्वेद सीखने के लिए एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ, MD आयुर्वेद और PhD बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करने के बाद। मैं वहाँ गया तो एक श्रृंखला शोध की चल रही थी हमारे रसायन विभाग में, वो संधान कल्पना की थी, तो मेरा सांडू से परिचय वहाँ हुआ। वहाँ मुझे जो महाराष्ट्र से शोध देता थे MD आयुर्वेद के छात्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सर सांडू ब्रदर्स का संधान कल्प सबसे अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, सर हम लोग इसी पर रिसर्च कर रहे हैं। और आप मानिए कि मैं वहाँ 7 साल रहा, उसके बाद फिर मैं BHU आया, तो लगातार जो हमने थीसिस कराई वो संधान कल्पना पर ही कराई, और सांडू के जितने भी ये प्रोडक्ट्स थे आशा वरिष्ठ को, उनकी महत्ता और उपयोगिता और गुणवत्ता में क्या और किया जा सकता है, इसी विषय पर महाराष्ट्र के सारे जो शोध अभ्यर्थी थे सांडू को स्टैंडर्ड सैंपल मान के करते थे। तो ये सांडू की कीर्ति है और ये सांडू की उपलब्धि है। अब जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं तो वहाँ मकरप्रास, बिलाजील और इस तरीके की जितनी भी इनकी औषधियाँ हैं, जो कि निश्चित रूप से अपनी गुणवत्ता के चलते, अगर आयुर्वेद के वैश्वीकरण में बहुत देर नहीं लगती, मुझे यह कहने का साहस करना चाहिए कि अगर सारी आयुर्वेदिक कंपनी, क्योंकि मैं रसशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, 9,000 कंपनियाँ हैं, अगर उनमें आधे लोग भी क्वालिटी के ऊपर डेडिकेटेड हो जाएं, तो हमको वैश्विक होने में मात्र 5 साल लगेंगे। सारी शिकायत मंत्री महोदय जानते हैं कि सब क्वालिटी की ही आती है, सारा का सारा जहाँ पर हम अध्यक्ष या सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, सब हम लोग क्वालिटी से ही परेशान रहते हैं, और उसी को हमें एड्रेस करना होता है, चाहे वो अभी 14 जून 2019 की न्यूयॉर्क की एडवाइजरी हो, पुष्प धनवरस्पति जो भी हो, तो क्वालिटी के ऊपर सांडू के आप, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इस रखे हुए हैं अपने साथ। लेट अस टॉक अबाउट द समथिंग अबाउट द मरकरी, एंड जस्ट आई टेक 1 मिनट मोर अबाउट द मरकरी। वी से इफ यू सी माई CV, देर इज द ओनली 2 थिंग्स, द हैविंग द थ्रस्ट एरिया ऑफ द संधान कल्पना एंड द कूपी पक्व रस, एंड द कूपी पक्व रस इज जस्ट इंटीग्रल पार्ट
of the all the processes of the mercury. But I do believe that everyone sitting here is knowing that mercury is under threat. And that is the 2025, the foremost that Nagesh Anduji and I myself has been interacted at many times on the regulatory bodies meeting that how we can save the mercurial products in our Ayurvedic domain. Recently on the 20th September at the Ahmedabad, United Nations Development Program under the Minamata Convention, we have to remove the 2025, all the mercurial products. Just for information that India is using at the present 700 ton of the mercury in the form of the cosmetics, pesticide, chemicals, plastic products, and the many more. The Ayurvedic part is just 40 ton. And we are using 40 ton mercury. And there, ministry deputed me to talk with those people there, the 5-6 IITs of our country, UNDP, Mott MacDonald, and of course the stakeholders of all these things were there, the CSIR NIRI, Nagpur and the Delhi unit. Everyone is talking, okay, no, it should be out. But when this student of the Rasast, with the blessings of the Mahamana Malviyaji, having the integrated studies and the, with the IIT collaboration, when I put my points, that this is the only Indian rishis who were able to develop the process of the Sodhan, Maran, Sanskar, Amritikaran, Lohitikaran, Jaran. That's why we were able to produce these medicinal form of the mercury. Otherwise, the West also tried. If say the Paracelsus, Galen, even the 1826 American Defense Library, 1945, all the BMJ, Lancet, everyone is producing the toxicity of the mercury, but in the form of the calomel. We are using the sulfite form, and that is with the, all the processes, metal organic formation is there. And that has been proved by the Indian Institute of Science, Bangalore, recently in our recent project. So my submission is there that we all, and even the Sandhu is also having a good range of the gold products and all the mercurial products. Here is the need. And when I tried to explain them, then they agreed, okay, we are giving the time, but we will see the first sight experience. I invited them, you choose anyone and just come to us and see how we are doing all these pharmaceutical processes. So friends, it's a good news, aur Mantri ji ka dhyan mein fir se is par akarshit karunga, aur Professor Savarkar sir bhi iska kaam kar rahe hain, ki hum log iske bhi dhang se tackle karein, jisse ki hamari ye 40 ton ka jo production hai, humne unko seedhe kaha, paschim is gyan se vanchit hai, isliye iska virodh karta hai, wo seekh nahi paaye. हम इस ज्ञान को इस रूप में लेके आ पाए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है हम उनको समझाएंगे कि यह एक मेडिसिन है तो हमारा ये बचेगा अंतिम बात मेरे मित्र डॉक्टर विक्रम चौहान कह रहे थे मंत्री जी से कह रहे थे कि हमें क्लेम करना चाहिए महोदय मंत्री जी ने 24 दिसंबर 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी करवा दिया है और उसमें आप जा करके देखिए दैट इज़ द ऑल द डिजीजेज द लिस्ट ऑफ द डिजीजेज विच यू कांट क्लेम एंड द वे ऑफ द एडवर्टीजमेंट विच यू कांट दैट इज़ द 7-8 पॉइंट्स एंड द सम लिस्ट ऑफ द डिजीजेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट परमिटिंग टू क्लेम ऑल दोज डिजीजेज रेस्ट ऑल डिजीजेज वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट यू कैन क्लेम एंड गो फॉर द CTRI एंड गो फॉर द ऑल द रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग वुड बी वैलिडेटेड एंड ऑफकोर्स The Ayurveda will have its own way. It's a global scenario. We are moving ahead, no doubt about it. With these words, once again, I invite all of you for all kinds of the academic activities, whatever level you have, the PG student, the UG student, professors, principals, and in the end, I'm once again thankful to all these directors of the Sandhu. And really, we express our gratitude, our leader, the Minister of Ayush, Sri Yashopad Naik ji, for leading us in such a energetic and dynamic way. Thank you, everyone.